शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब शादी के चक्रव्यूह में तो हमने तुम दोनों को फंसा दिया, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलोगे कैसे? क्योंकि निकलने का हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कोई माने या ना माने, तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा फरेब किया हमारे साथ, लेकिन इस फरेब का ना पर्दा हम फाश करके रहेंगे और साबित करके रहेंगे कि ये शादी झूठी है। आज ऐसा धमाका होगा कि बेचारी श्रवणी के साथ साथ दादी अम्मा भी लपेटे में आ जाएगी। तुम्हारे हाथ ही शुभ नहीं है, बताओ आग ही नहीं जल रही है? अम्मा आई। शिप जल क्यों नहीं रहा है? घी लेकर आते। कौन है इस? अरे फिर मुनीम जी। हाँ मुनीम जी। अरे एक मिनट रुकिए। अरे बेटा स्वीटी सुनो, जरा ये जाके चूल्हे में रखाओ, परेशान हो रही है तुम्हारी बहन, मदद करो जाके जाओ। पापा पकड़ो जल्दी। हाँ हेलो यार, ये चल क्या रहा है घर में? पर हम ही मिलते हैं ये सब के लिए। पापा श्रावणी के लिए क्या क्या करवाते हैं? अब होगा धमाका। 5 4 3 2 हाय। शबनी तुम ठीक हो? शबनी दीदी, दीदी शबनी किधर हो? ये सब कैसे हुआ? अम्मा तो बच गई, सिर्फ शबनी ही फंसी है लगता है। क्या हुआ? हमें धमाके की आवाज आई। हाँ श्रवणी वहाँ है, तो धमाके में कौन है? स्वीटी अरे स्वीटी ठीक है ना? जली तो नहीं ना? हाँ मम्मी हम ठीक है, पर कान बज रहा है बहुत जोर से। शुक्र है कि हम दूर थे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू क्या कर रही है यहाँ? यहाँ तो दुल्हन को आना चाहिए था ना? अरे अम्मा वो लकड़ी जल नहीं रही थी तो हम घी लेने गए थे। अरे ये क्या हो गया? हम तो फोन पे थे, ये धमक। अरे स्वीटी बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन तू यहाँ आई क्यों? अरे माताजी हमने भेजा था। भानु जी भी ना अच्छी भली अपनी बेटी को आग में झोंक दिया, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया सो अलग। स्वीटी तुम ठीक हो ना? अच्छा
तो साली साहिबा मदद करने आई थी, लेकिन ये आग भड़की कैसे? गंध कैसी आ रही है? क्या हुआ शिवो? बारूद? इसमें तो बारूद की गंध आ रही है। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने बारूद झोंक दिया उसमें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और कौन आ सकता है हवेली में? सबको पता था कि चूल्हा हम ही को जलाना है। ये तो सच में बारूद है, लेकिन कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? आप सबने अम्मा स्वीटी और हमारे अलावा किसी को आते देखा क्या? ये तो हमारे आंचल का टुकड़ा है, श्रावणी या किसी और की नजर ना पड़ जाए। ये धमाका मम्मी ने कराया है। इतना पंचनामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही बता देते हैं कि ये सब धमाका हमारी वजह से हुआ है। स्वीटी, तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? क्या मतलब? स्वीटी, तुम क्या हमको उल्लू समझती हो? सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? क्या हम क्या छुपाएंगे? अब इतना तो ना हम भी जानते हैं कि तुम अपनी हवेली में ये धमाका क्यों करवाओगी। सच सच बताओ स्वीटी, क्या छुपा रही हो? नहीं, नहीं बताओगी ना? क्यों बताओगी? तमाशा लगा रखा है ना इस घर में। पागल समझती हो मैं तुम्हारी बात हमें यूं ही मान ले कि तुमने धमाका खुद पे की हो? ना 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 साली साहिबा, आपकी बातों पे भरोसा करना ये मुश्किल। हमारी पूरी बात तो सुन लो। हमने ये कहा है कि ये धमाका हमारी वजह से हुआ है, पर ये तो नहीं कहा ना कि ये धमाका हमने किया है। मतलब पापा, आप जब हमें वो जलती हुई लकड़ी दिए ना, तब मेरे हाथ में ना बैटरीज थी, रिमोट की बैटरीज। तो वो आग जलने के टाइम बैटरी भी गिर गई और ये धमाका हो गया। अरे बेटा, तो पहले काहे नहीं बताई? देखो सब कितना परेशान हो गए। क्या बताए पापा, चूल्हे से ज्यादा ना यहाँ पे लोग भर के पड़े हैं। स्वीटी, इतना ध्यान रखा करो, तुमने कुछ हो जाता तो। दुल्हन, बवाल खत्म करो और तुम्हारे बहन ने जो रायता फैलाया ना यहाँ, उसे समेटो। पता नहीं कैसे लक्षण है इसके, कोई काम संभलता नहीं है। अम्मा जी, बहू के लक्षण तो सही ही हैं, तभी तो आप बाल बाल बची हैं। बड़के ठाकुर, आगे से हमारे मामले में मत दखल देना। बिटिया को ब्याहे हैं आप, सब बेटियों को ये करना पड़ता है। आपकी बिटिया कोई अनोखी नहीं है। अम्मा, श्रावणी,
शवनी बेटा ध्यान रखना। चलो चलो ये रायता समेटो और खाना बनाना शुरू करो। चलो ये धमाका आपने ही किया है ना? कौन सा धमाका? अंटशंट बात हमसे मत करो स्वीटी। मम्मी हमें ना सब कुछ पता है, हमसे झूठ मत बोलिए। क्या पता है तुम्हें? हाँ पर हम झूठ बोलेंगे? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना स्वीटी और अपने काम से काम रखो, समझी तुम? तो ये क्या है? बताइए क्या है? हम सोचे थे हमारे मम्मी पापा दोनों पराए हो गए उस श्रवणी के चक्कर में। पता है मम्मी जब आप उस श्रवणी को लाड प्यार करते थे ना, बता नहीं सकते हमारा कितना खून खौलता था। पर मम्मी आज हमें पता चला कि आप हमारी वही वाली मम्मी है जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते, जो हमारी तरह श्रवणी से खार खाती है, नफरत करती है। हमारी बेटी है, तेज है, पकड़ लिया हमें। साल उस श्रवणी ने ना हमें हमारे भानु जी से दूर रखा है। उन्होंने हमें ठीक से देखा तक नहीं है, हमसे प्यार नहीं किया। चंद्रा सबसे कितनी भी नफरत करती हूँ लेकिन अपने पति, अपने बेटे और अपने बेटी से ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है और उसने एक एक करके सबको हमसे दूर कर दिया। आंटी को देखा, आंटी हमसे बात नहीं करता था, नाराज रहता था, हम फोन करते रहते थे और फोन नहीं उठाता था। किसकी वजह से? श्रवणी की वजह से। हमको तो कभी कभी लगता था कि भानु जी की असली बेटी वो है, हमारी स्वीटी नहीं। लेकिन हम तुम्हारे लिए कभी खड़े नहीं हो पाए क्योंकि इसने हमें सबकी नजर में इतना गिरा दिया, खुद महान बन गई। किस मुंह से तुम्हारा साथ देते? इसीलिए हमने सोचा उस चूल्हे में बारूद डालकर उसकी गृहस्थी में और आग लगा दे। और हमने अब कसम खा ली है तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लेंगे, श्रवणी को नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, आज तक हम दोनों अकेले अकेले लड़ रहे थे श्रावणी के साथ और आज से हम दोनों एक साथ होके उस श्रावणी की जिंदगी बात कर देंगे।
पहले खाना बना लेते। सच्चाई की गुत्थी शिवांशी खाने में मिला देंगे, फिर देखते हैं कैसे सच नहीं उगलता है वो। चंद्रा, चंद्रा हमारा फोन नहीं मिल रहा है। काफी देर से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं। अरे ये रहा, ये कहाँ है? स्वीटी, कुछ रिकॉर्ड करें दिखा। अरे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, रिकॉर्ड करी दिखा कुछ। हाँ, वो हम रील बना रहे थे, कहीं हमारी बात रिकॉर्ड तो नहीं। हम भी फूल होते, ऐसे ही आपके बालों में सजे होते। तुम यहाँ के देखें क्या बना रही थी। ये तो तुम दोनों हो। 12 साल फोन डिस्चार्ज हो गया, सुबह ही चार्ज किए थे।
स्वीटी, हम तुम्हें कितनी बार कहें कि हमारा फोन इस्तेमाल ना किया करो, रील बना बना के ऐसी की तैसी कर देती हो फोन की। ठीक है, अभी हम चार्ज करते हैं, देखते हैं तुम क्या वीडियो बना रही थी, फिर बताते हैं तुमको। मम्मी, मैं कैमरा ऑन था, हमारा फोन डेड हो गया था, तो पापा के फोन से हम रील बना रहे थे। तुम ना, तुम कुछ मत करो, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम शुरुआत किए नहीं है, तुम शुरू नहीं, दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, फंसाओगे तुम। मम्मी क्या क्या कर रहे हो? तुम कुछ मत करो, तुम चुप रहो, फोन मिल जाए बस किसी तरह, वीडियो डिलीट कर दे। अरे कहाँ फंस गए? बाऊजी का फोन चार्ज हो गया होगा ध्यान से, इसीलिए हमने सोचा उस चूल्हे में बारूद डालकर उसकी गृहस्थी में और आग लगा दे। तो इसका मतलब ये धमाका ताईजी ने करवाया था? अच्छाई की आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। हर बार माफ किया हमने उन्हें, लेकिन इस बार नहीं, हम अभी जाके ताऊ जी को बता देते। ताऊ जी, मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।